ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस दिन व्रत भी रखेंगे, तो व्रत माने ही होता है प्रतिज्ञा करना। तो काहे का व्रत रखा कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, खारा होता है, लेकिन खार खाए बैठे लड़ेंगे जरूर। परमात्मा कहते बच्चे व्रत रखना ही है, तो अपने आप से ये संकल्प करो, क्योंकि आज का देखो शरीर सबके बीमार है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो संपूर्ण स्वस्थ हो और बिना दवाइयों के चल नहीं रहा है। चलो खाना नहीं खाएंगे डॉक्टर रहेगा, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण भोजन नहीं किया तो सारा दिन हम इरिटेट होते रहेंगे, बाद बाद में चिड़चिड़ा रहे, तो घर वाले भी क्या कहेंगे, अरे इसे तो खाना खा लेती, गुस्सा भी कर रही हो, व्रत भी हो, भगवान भी खुश नहीं होगा। तो उस दिन हम व्रत रखें और पूरा साल रखें, अभी भी प्रतिज्ञा किया तो अपने आप से ये व्रत रखें, आज मैं सारा दिन खुश रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज सारा दिन शांत रहूंगी, तो घर वाले भी खुश कहेंगे हाँ ये व्रत तो अच्छा है, बच्चे भी खुश कि आज मम्मी गुस्सा नहीं करेगी। तो परमात्मा ने वो व्रत कहा, इसको उपवास भी कहते हैं, उपमाने निकट, वास माने रहना। अब जिसके नाम से हमने व्रत रखा उसके पास तो बैठे ही नहीं, परमात्मा कहते सारा दिन बुद्धि से मेरे पास बैठो, मुझे अपनी बातें सुनाओ, दुनिया वालों को हम सुनाते आ रहे हैं।